वक्त की सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बड़ा नक्सली हमला, अब तक 12 जवान शहीद। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों ने बड़े हमले को अंजाम दिया है। एएनआई सूत्रों के मुताबिक इस हमले में करीब 12 जवान शहीद हो गए हैं। नक्सलियों ने घात लगाकर आईईडी ब्लास्ट में सुरक्षा बलों के गश्ती दल पर हमला बोला, जिसमें सुरक्षा बलों की एक बस के परखत छोड़ गए। बताया जा रहा है कि बस में से C-60 कमांडो सवार थे, मशीनों में भी लगाई गई थी आग। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर किए गए इस बड़े हमले से पहले गढ़चिरौली में सड़क निर्माण कार्य में लगी मशीनों को आग के हवाले कर दिया था। इसमें सड़क बनाने वाली करीब 27 मशीनों को खाक कर दिया गया। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी। इस बड़े हमले के बाद अब सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। दोनों तरफ से हैवी फायरिंग हो रही है। इस इलाके में कई नक्सली घात लगाकर छिपे हुए थे, जिनके साथ एनकाउंटर चल रहा था। नक्सलियों ने पुलिस के जिस वाहन को निशाना बनाया है उसमें 16 जवान सवार बताए जा रहे हैं। फिलहाल आधिकारिक तौर पर कोई भी आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, समय 24 न्यूज़।